श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। और बात हो रही है युववाणी के मार्गदर्शन सेगमेंट में। तो जैसा कि हमारे सभी युवा साथी जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं हर एक पहलू पर। आज के कार्यक्रम में विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ निखिल गुप्ता जी हैं स्टूडियो में। निखिल गुप्ता जी युवा कल्याण अधिकारी हैं नेहरू युवा केंद्र बनारस में। निखिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार। निखिल जी, आज मार्गदर्शन सेगमेंट में हमारी बातचीत का जो विषय है वो नेहरू युवा केंद्र से जुड़ा हुआ है। युवाओं के व्यक्तित्व विकास में नेहरू युवा केंद्र जो संगठन है इसकी क्या भूमिका है और इससे जुड़ने के बाद युवाओं के लिए क्या क्या अवसर हैं? तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दें। आप सभी को बताना चाहता हूं कि नेहरू युवा केंद्र जो है 1972 से एक संगठन के रूप में काम कर रहा है। इस विभाग का संगठन का प्रमुख उद्देश्य जो है ग्रामीण युवाओं को, जो ना विद्यालय से जुड़े हुए हों ना किसी कार्य में लिप्त हों, उनको देश निर्माण के मुख्य धारा से जोड़ना है किसी ना किसी माध्यम से। चाहे यदि वो किसी खेल में अच्छे हैं तो उनको खेल के लिए मार्गदर्शित करना, या उनमें कुछ कला है, विधा का उनको ज्ञान है तो उस विधा को निखार के उनको उस विधा से जोड़ना, बुनियादी प्रशिक्षण दे के। उनमें अगर नेतृत्व का है तो उनको नेतृत्व के रूप में आगे लेके आना, और साथ में उनके जो समाज है, उनके जो आसपास का क्षेत्र, उसके जो विकास के कार्यों से जुड़ना। क्योंकि भारत, जैसा कि कहा जाता है, दुनिया का सबसे युवा देश है, तो जितना बड़ा और अहम रोल इस देश के युवा कर सकते हैं, जो उस देश के विकास में उनकी भूमिका हो सकती है, उतना शायद ही किसी और वर्ग की हो सकती है। इन्हीं सब को देखते हुए नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के तहत लगातार विभिन्न प्रयासों के माध्यम से जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, बुनियादी व्यवसायिक प्रशिक्षण, खेलकूद कार्यक्रम, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, इस तरह के विभिन्न प्रयास हम लाते रहते हैं, और सभी युवाओं के सहयोग से ही हम उस क्षेत्र में तमाम जानकारियां सभी तक पहुंचाते हैं। नेहरू युवा केंद्र का जो फोकस है वो विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं पर है। जी, हमारा जो प्रमुख फोकस होता है गांव के युवाओं के लिए होता है, कि कहा जाता है शहरी जो युवा होता है उसके पहले से कई सारे अवसर मौजूद होते हैं, यहाँ पे कई सारे निजी प्लेटफॉर्म काम कर रहे होते हैं जो उनको तमाम तरीके मौके देते रहता है। ग्रामीण युवा कहीं ना कहीं इन सब सुविधाओं से अछूता रह जाता है, तो सरकार की यही सोच इस विभाग का बेस बनी, इस बुनियाद बनी कि हमें गाँव के युवाओं को भी वो पटल देना है कि वो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, जो उनके बीच में अंतर है, वो पाटा जा सके और उनको भी बराबर मौके दिए जा सके। अच्छा, बहुत सारे प्रशिक्षण की आपने बात की कि अगर कोई खिलाड़ी है तो उसको उस क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है, या उसके अंदर कोई और कला है अगर तो उसको निखारने का काम संगठन करता है। तो किस तरह से ये काम आप करते हैं, किस तरह से आप गांवों से संपर्क करते हैं, और जो युवाओं के जुड़ने की गति है इस संगठन से वो कैसी है? कितने युवा इस संगठन के बारे में जानकारी हासिल कर आपसे संपर्क करके से जुड़ते हैं? आज का जो हमारा डिजिटल युग है, इसमें मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फायदा ऐसे विभागों को हुआ है जिनमें रिसोर्स से ज्यादा वॉलंटरी वर्क होता है। हम जब स्वयं सेवता की बात करते हैं तो मोबाइल, सोशल मीडिया, आकाशवाणी, हमारे पास दूरदर्शन, टीवी, ये वो माध्यम हमारे लिए बन रहे हैं। अधिक से अधिक आज युवा जुड़ पा रहा है, युवा हमसे डायरेक्टली इंक्वायर करता है, मेल के माध्यम से हमसे बात करता है, हमसे संपर्क साधता है, हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से कार्यालय आता है, और विभिन्न प्लेटफॉर्म, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टैग करता है, अपने प्रश्न पूछता है, तो जुड़ने का काफी अच्छा है। इसमें जो हमारे विभाग को सहयोग मिलता है, इसमें हम सहयोग लेते हैं, दो तरीके से युवाओं को जोड़ते हैं। सबसे पहले हम जिले पे प्रत्येक ब्लॉक वार दो राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक 2 साल के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना के तहत उनको हम रखते हैं। इनका काम ये होता है कि अपने जो, चूंकि नेतृत्व में आगे आए हुए युवा होते हैं, एक चयन प्रक्रिया से गुजरे हुए युवा होते हैं, तो पॉलिश्ड युवा होते हैं, ये गाँव गाँव जाए, अपने ऐसे युवाओं को छांटे और उनको उस गाँव की जिम्मेदारी दें कि देखो आपके क्षेत्र में विभिन्न तरीके के विभाग काम कर रहे हैं, आपके क्षेत्र शिक्षा विभाग काम कर रहा है, आपके यहाँ पे हमारे विकास विभाग काम कर रहे हैं, इन सभी विभागों से सहयोग लेके और इनकी जो योजनाएं हैं वो सभी तक पहुंचाएं, चहुंमुखी विकास के लिए जो कार्य होता है उस पर काम करें। इसके लिए हम को एक परिभाषा भी दी गई है, मैं स्वयं इस बात को कहता हूँ कि नेहरू युवा केंद्र वो पुल है जो युवाओं के माध्यम से सभी सरकारी विभागों को, गैर सरकारी विभागों को समाज से जोड़ने का काम करता है। इस तरीके से होता आते हैं जोड़ने की प्रक्रिया पे, तो प्रक्रिया की सबसे निम्न इकाई पे जो होता है हमारे यहाँ ग्रामीण स्तर पे होता है, हम ग्राम पंचायत पे एक युवा मंडल का गठन करते हैं। युवा में हमारी जो 15 से 29 वर्ष की जो आयु के पुरुष, महिला, बालक, बालिकाएं होती हैं वो जुड़ सकती हैं, जो कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार है। इनका एक दस्ता तैयार करते हैं, इनमें से एक लीडर जो होता है उसको अध्यक्ष के ऊपर दर्जा दिया जाता है। ये एक कार्यवाही बैठक के अंतर्गत होता है जिसमें जनप्रतिनिधि को बैठाया जाता है, उनके क्षेत्र के जो भी क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी चैनल से उनको बैठा के एक पूरा तरीके से करते हैं।
गठन करते हैं और मैं अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष करके, और उनको बताया जाता है कि साल साल भर आपको कैसे कार्य करना है, कैसे करना है। इसके ऊपर जो एक मॉनिटरिंग इकाई होती है, और जो मोटिवेशनल इकाई हम ज्यादा बोलना चाहेंगे, मॉनिटरिंग ज्यादा, जो उनको प्रोत्साहित करती है, वो होते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक। प्रत्येक ब्लॉक पर दो होते हैं। इनका काम ये होता है जितनी भी ग्राम पंचायत उस ब्लॉक से जुड़ी है वहां पर ऐसे युवाओं को आइडेंटिफाई करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनके माध्यम से गाँव में जो तमाम आवश्यकता है, इसकी जो मूलभूत जरूरतें, इसकी बात ब्लॉक के विकास विभाग तक पहुंचाई जाए और जो विकास विभाग की योजनाएं हैं वो गांव तक पहुंचाई जाए। तो विशेष करके अगर हम देखें तो यहाँ सिर्फ युवाओं का या उनके व्यक्तित्व का विकास ही नहीं होता है, वो अगर नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़ते हैं तो उनके अपने विकास के साथ साथ उस क्षेत्र का, उस गाँव का, उस ब्लॉक का भी विकास काफी हद तक होता है। बिल्कुल, यही हमारा उद्देश्य हमेशा से रहा है कि युवाओं को उस पथ पे लेके जाना कि वो अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का भी विकास करते रहे। अभी आपने पूछा था कि जो नेहरू विभिन्न योजनाएं चलाता है, कब, कैसे और किस तरीके से चलाता है, तो इसके लिए हम एक खुला माध्यम हम यूज करते हैं कि हम गांव-गांव जाके युवाओं से मिलते हैं, सर्वे करते हैं, मूलभूत जरूरतें क्या होती हैं। जैसे कहीं हमारे पास गांव में डिमांड आती है कि सर हमें, हमारे यहाँ अगर लड़कियों को एक बुनियादी प्रशिक्षण मिल जाए सिलाई कढ़ाई का, कोई कहता है कि हमें मोबाइल रिपेयरिंग, कोई कहता है कंप्यूटर, ऐसा करके मंत्रालय के लोग 400 विधाएं चयनित हैं। अगर उन विधाओं पर सीखने के लिए हमें पर्याप्त युवा उस गांव में मिल रहा है संसाधनों के साथ, तो मंत्रालय से जो हमें प्राप्त बजट होता है उसका हम यूज करते हुए, उपभोग करते हुए उस गांव पे 3 महीने की बुनियादी प्रशिक्षण चलाते हैं। इसका जो प्रशिक्षण का दौर है ये नवम्बर से शुरू होकर जनवरी तक जाता है। इसी क्रम में खेलकूद का जो हमारा काम होता है हम सितंबर से शुरू करते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर हम युवाओं को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी टीमों को देखते हैं, गांव पर जो अच्छी टीम है उनको हम ब्लॉक पर बुलाते हैं अक्टूबर के आसपास, और नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में उनका जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता कराते हैं। अच्छा, जो अच्छी खेलकूद होती प्रतिभाएं होती हैं इनको हम प्रॉपर डिस्प्ले के लिए हम क्या करते हैं, वहां के जो क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी हैं उनसे सहयोग लेते हैं, अन्य जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो खेल के क्षेत्र में काम कर रही हैं, साई जैसी संस्थाएं, चूंकि युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय का, तो इनके समूचे सहयोग से खेल में काम करते हैं। इसके अलावा हम जन नेतृत्व का विकास के लिए अलग से नेतृत्व विकास का प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें हम बेसिक बुनियाद बताते हैं क्या नेता होता है, क्या युवा नेता के मायने होते हैं, क्या उसका मुख्य कार्य होता है कि उसको देश में कहां कहां देखना है, उसको कैसे सबको सुनना है। इससे कि विभिन्न कार्यक्रम वर्ष पर चलाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आपने पीछे में बताना चाहूंगा, हमने जो हमारे बनारस की कला विरा, इसके ऊपर भी हमने कई सारे गोष्ठियां कार्यक्रम रखी जहां पे हमने अपनी टीम बना रखी युवाओं की, जो जगह जगह जाके विरह लोकगीत को प्रस्तुत करती है, उसके माध्यम से मतदाता जागरूकता हो, भले ही कोविड जागरूकता हो, उन्हीं गीतों के माध्यम से उन्हीं के लोगों के बीच में काम करती है। तो इसको अगर मैं 3 मिनट में बताऊं तो ये युवाओं के द्वारा, युवाओं के लिए, युवाओं का मंच है नेहरू युवा केंद्र, इस तरीके से मूलतः। निश्चित तौर पर अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस का जो ग्रामीण परिवेश है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर आज के समय में आपके संगठन से कितना युवा जुड़ा हुआ है? बनारस से हमारे पास, अगर मैं बात करूं, जो स्वयं सेवी रूप से जुड़े हुए हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे राष्ट्रीय सेवा जो स्वयं सेवक के रूप में जुड़े हैं, कुल मिला के आज के तादाद में जो हमारे जुड़े हुए युवाओं की संख्या है 5 से 10 हजार के बीच में है। और हमारे पास ये जुड़े हुए विभिन्न युवा मंडलों के लगभग 750 ग्राम पंचायत में से 500 युवा मंडल हमारे बने हुए हैं। ये सक्रिय रूप में अपने अपने स्तरों पर विभिन्न कार्य करते रहते हैं, चाहे वो स्वच्छता के विभिन्न प्रयास हो, चाहे वो कोविड जागरूकता के प्रयास हो, वैक्सीनेशन कैंप लगाना, बीएलओ के माध्यम से मतदाता जागरूकता कैंप करवाना, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता करवाना, दीवार लेखन के कार्य हो, सांस्कृतिक कार्य हो, इस तरीके से जुड़े रहते हैं हमारे साथ, लगातार कार्य करते रहते हैं। निश्चित तौर पर जैसे अभी बीच में जब कोविड का प्रकोप काफी तीव्र गति से फैल रहा था तो लोग शिकायत करते थे कि भाई हमें टीकाकरण नहीं हो पा रहा है हमारा, या हमारे क्षेत्र में जो है वो टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी युवा अपने गाँव में, ब्लॉक में, कहीं पर भी कोई केंद्र इस तरह का लगवाना चाहता कि हाँ भाई हमारे क्षेत्र में ऐसी समस्या है, हमारे ब्लॉक में इस तरह की समस्या आ रही है, तो वो इस विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग तक अपनी बात पहुंचा सकता था और इस तरह से इसका लाभ लिया जा सकता था। तो नेहरू युवा केंद्र की बहुत अच्छी भूमिका है, न केवल बच्चों के, ग्रामीण जो बच्चे हैं उनके विकास में, बल्कि उस पूरे क्षेत्र के विकास में। निखिल जी, आपने अभी चर्चा की बीच में कि नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है वो कुछ जो चैलेंजिंग एरियाज हैं, जिनमें बनारस का भी नाम आपने बताया, वहां पर संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर के कुछ काम कर रहा है, तो बनारस में ऐसा क्या है, कुछ थोड़ा सा बताया हमें। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि नेहरू युवा केंद्र संगठन, भारत में कुछ 58 ऐसे जिले हैं जहाँ पे हम संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और ये चैलेंज जिलों के जो मुख्य फोकस एरियाज हैं उस पे हम शिक्षा, समानता,
इक्वालिटी, चाहे वो जेंडर के टर्म में हो, चाहे वो मैं बात करूं अपने वेतन के टर्म में बात करूं, चाहे उनको अवसर के रूप में बात करूं, तो काम कर रहे हैं। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र विभिन्न तरीके प्रयास करता रहता है। जैसे हमने अभी पिछले साल एक मॉक पार्लियामेंट आयोजित किया था, जिससे हमने इस मॉक संसद के माध्यम से उन गांव के युवाओं को बताया था कि संसद कैसे काम करती है, उसमें शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है। सभी युवाओं को कोई ना कोई भूमिका दी गई, किसी को प्रधानमंत्री बनाया, किसी को गृह मंत्री बनाया, किसी को विपक्ष नेता बनाया। और इस तरीके से हमने उनको उन्हीं के माध्यम से और सरलतम भाषा में उनको बताया कि संसद का ये भूमिका होती है। इस बार हमने महिला सशक्तिकरण के ऊपर हमने एक ट्रेनिंग करी, महिला सशक्तिकरण में हमने उनको जोड़ा कि क्यों इस विषय की आज इतनी आवश्यकता है, क्यों महिलाओं को सशक्त करने के लिए पुरुषों की क्या भूमिका हो सकती है या युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इस पे हमने लगातार कार्य किया। इसमें कुछ मेंशन और करना चाहूंगा, कुछ नेहरू युवा केंद्र बनारस विशेष प्रयास कर रहा है। मैं चाहूंगा यहां से जो भी मेरे श्रोतागण सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन भी रहेगा कि स्वयं सेवा के छोटे छोटे प्रयास हैं। नेहरू युवा केंद्र ने कोविड के दौरान पिछले बार 2020 में हमने एक प्रयास शुरू किया था, जब सारे विद्यालय बंद हो गए थे। इसका प्रयास का नाम था विद्या की झोपड़ी। अभी बहुत छोटा सा प्रयास है, क्योंकि विद्यालय बंद हो गए, और कहते हैं 10 साल की उम्र तक बच्चे की जो दिमाग का विकास होता है सबसे तेजी से होता है। तो मैं सभी श्रोताओं से कहूंगा कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने कौशल के हिसाब से, हफ्ते में भले ही एक दिन बच्चों को कोविड के नियमों का ध्यान रखते हुए कहीं पर भी उनके ज्ञान वर्धन के लिए अगर आप 1 या 2 घंटे उनकी क्लास ले लें, आपको इतिहास आता है तो इतिहास पढ़ाएं, गणित आता है गणित, हिंदी आता है तो हिंदी, तो इससे आपका भी बच्चों से जुड़ाव बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं बच्चों को भले ही औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, पर उनका ज्ञान संवर्धन होगा, क्योंकि जीवन पर्यंत काम आएगा। इसी तरीके दूसरा प्रयास हमने, हमारे जो खिलाड़ी हैं क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं हमसे, चाहे कराटे के, हमने एक मिशन वीरांगना प्रयास शुरू किया, जिसमें हमने गांव गांव जाके लगभग 70 गांव में निशुल्क हमने उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, कि किसी भी विपरीत परिस्थिति से कैसे कोई महिला जो प्रौढ़ है हमारी, जो है 10 से 19 वर्ष की जो आयु होती है, वो किशोरी बोलते हैं, वो कैसे बच के निकल सकती है, उनको जो उनके नियम है पॉक्सो के बारे में थोड़ा जागरूक कराया। और इसका एक हमने बृहद कार्यक्रम पुलिस लाइन में भी किया था। तो ये था। इसके अलावा हम वृक्षारोपण या वृक्षा पोषण भी प्रमोट करते हैं। आप सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगा, आप में से किसी का जन्मदिन हो, आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग को याद रखना चाहते हो, तो उनके कमेमोरेशन में एक वृक्ष अपनी डायरी में अवश्य लगाएं, उसका पानी दें, उसको ध्यान रखें। उस तरीके स्वयं सेवा प्रयास अगर हम सब करते हैं तो ये बनारस, ये देश शायद वो पुनः उस पुरानी ऊंचाई में छूगा जहां पे हम अपने देश को जगत गुरु विश्व गुरु के नाम से जानते थे। निखिल जी, आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह नेहरू युवा केंद्र संगठन देश भर में काम करता है, बनारस में किस तरह से काम करता है और क्या क्या कार्यक्रम आपने इन दिनों किए। जो श्रोता अभी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि अगर हमें जुड़ना है नेहरू युवा केंद्र संगठन से तो हम कैसे जुड़ सकते। मैं आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी युवाओं को बताना चाहूंगा कि आज के डिजिटल युग में नेहरू युवा केंद्र हर जगह मौजूद है। आप चाहें तो अपने स्मार्टफोन के माध्यम से आप ऑनलाइन जाके नेहरू युवा केंद्र की जो वेबसाइट है nyks.nic.in पे जाके आप वहां पर सीधा अपना अप्लाई कर सकते हैं जुड़ने के लिए। तो आप सीधे जुड़ जाएंगे, एफिलिएट हो जाएंगे। वहीं पे हमारे जो कॉन्टेक्ट डिटेल होती है, मोबाइल नंबर मेरा मौजूद है, ऑफिस का लैंडलाइन नंबर मौजूद है और तमाम जो क्या बोलते हैं कार्यालयों के पते मौजूद है। बनारस में अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो बनारस का जो हमारा एड्रेस है ये भुवनेश्वर नगर कॉलोनी में है। आप सभी लोग आए, सभी का स्वागत है। हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप जा सकते हैं। आप नेहरू युवा केंद्र बनारस पे अगर आप जाके क्वेरी भी करेंगे तो उसमें गूगल लोकेशन हमने डाल रखा है। आप गूगल पे भी अगर सर्च कर लें नेहरू केंद्र वाराणसी तो आपको बिल्कुल डिट्टो हमारे ऑफिस के बाहर वो छोड़ देगा। मैं सभी युवाओं का स्वागत करना चाहूंगा कि जो भी आप युवा साथी सुन रहे हैं, आप कृपया कार्यालय कार्यक्रम में छोटी सी लाइब्रेरी भी चला रखी है, वहां पे हम करियर काउंसलिंग सेशन के लिए कभी भी अलग गेस्ट को हम भी अपने कार्यालय बुलाते रहते हैं। तो आप लोग आए और इस प्रयासों में शरीक हों। आप जो सीखना चाहते हैं, आप जो बताना चाहते हैं, दोनों के लिए नेहरू केंद्र आपको मंच देगा। आपका धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा और अंत में 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। खास तौर से युवाओं के लिए मैं बोल रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद की एक लाइन थी कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपनी लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। सभी आप सभी युवा हैं, जो भी सुन रहे हैं इसको, आप सभी लोग अपना एम लें, एक लक्ष्य लें, उसके लिए तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। और इन्हीं सब बातों के साथ सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर, और जैसा कि निखिल जी ने शुभकामनाएं दी हैं, हम सभी जानते हैं कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है इसके पीछे। स्वामी विवेकानंद जी को आपने कोट किया, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है और इसी अवसर पर हम इस दिवस का आयोजन भी करते हैं। तो आज के इस मार्गदर्शन सेगमेंट में हमारे युवा साथियों के लिए इतना ही और बाकी का युवाणी कार्यक्रम आपके लिए अभी पूरा बाकी है, आप उसको सुने और उसका आनंद लें। निखिल जी, आप समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे युवा साथियों को आज आपने नेहरू युवा केंद्र संगठन की भूमिका के बारे में जानकारी दी, वो कैसे जुड़ करके और अपना व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं इस बारे में आपने जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।